मैंने बस ठंडे पानी से नहा लिया। तो अब मैं हो रही हूँ रेडी बानावेले जाने के लिए, जो बसानी में है, फतेहपुर रेंज हल्द्वानी वाली रोड पे। आपको बता दूँ आज हम विजिट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम का चर्च, तो चलिए चलते हैं। तू भी एसी खोलने में तेल बर्बाद कर चल के रहा है। करती हूँ। हेलो गाइस, हम आपको देखो, हम जा रही है जा रही हमारे घूमने। साथ तू फोटो खींच रही अम्मा कह रही फोटो खींच रही, मैं अच्छी अच्छी बन जाती हूँ। तो यहाँ से जो आपको वो छोटा सा व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है, हाँ वही वो है चर्च जहाँ मैं अभी जाना है। टूट रही है, पता है बसानी शहनी होनी है, काफी टूटी हुई है टेम्बू में। अरे अभी नहीं है ना, तो एकदम अभी पता नहीं है कि इतना की पहाड़ कहाँ कहाँ से गिरेगा करके फंसकेगा, तो बनी है तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेंट माइकल कैथोलिक चर्च में। इसे आर्कएंजल माइकल चर्च भी बोला जाता है। हमें लगभग 15 से 20 मिनट लगे यहाँ पहुंचने के लिए। और बता दो आपको एक और चीज, आगे बढ़ते हुए मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी आपको। उसके साथ ही यहाँ कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, तो अगर आपका प्लान है आने का तो आप आराम से आइए। ये हल्द्वानी से 20 किलोमीटर की दूरी पे है और नैनीताल से 26 किलोमीटर की दूरी पे है, तो लगभग आपको आराम से दिन दिन का ये आपका ट्रिप हो जाएगा। मैंने इसे ब्रिटिशर्स के टाइम का बोला था। ब्रिटिशर्स के टाइम का ये इसलिए क्योंकि 1935-36 के बीच में बना हुआ है। हमें 1947 में आज़ादी मिली थी, हमें 70+ ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी को, तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना ये चर्च है। इसकी जो ईंटें हैं ना, आपको बता देंगी कि हाँ ये काफ़ी पुराना है। इसके साथ ही यहाँ से आप हर कॉर्नर से जब आप देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलने वाला है। आपको यहाँ छोटे छोटे शहर दिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पहाड़ भी हैं शहर भी हैं। किसी किसी कॉर्नर से सिर्फ पहाड़ दिखने वाले हैं, किसी किसी कॉर्नर से सिर्फ शहर दिखेंगे, किसी किसी कॉर्नर से आपको दोनों चीज़ें दिखेंगी, तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पर। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और चर्च को देखेंगे कि चर्च अंदर से कैसा लगता है। किसने, साइकिल राइडर ने, साइकिलिंग करते हुए आए थे वो लोग, काफी लोग थे, दो तीन तीन चार लोग आते रहते ना, क्योंकि ये रोड बन गई है तो शॉर्टकट के लिए भी सही रहता है, घूमते रहते साइकिल वाले, तो साइकिल राइड करते हैं, काफी लोग आते हैं। हमारे स्कूल में भी आए थे एक बार। तो अब हम सीढ़ियाँ लेंगे, आपको बताऊंगी कि पहले हमने स्लोप लिया था, उसके बाद ये सीढ़ियाँ हैं, फिर आपको दिख ही रहा होगा कि चर्च है। तो अब मैं ऊपर को जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी नज़ारा। ये मैं ऊपर आ चुकी हूँ और ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब कितना ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी ऊपर आ चुकी हूँ मैं अभी। तो ये ऐसा कुछ चर्च दिख रहा है, आप इसकी ईंटें देखिए, आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आपको सच में लगेगा कि हाँ, मतलब कि अभी भी इसे सिर्फ जहाँ जहाँ से क्रैक हुआ है या फिर थोड़े बहुत इसमें कह सकते हैं कि गड़बड़ियाँ हो गई थी, तो उसको फिर से रेनोवेट किया है, बाकी कोई बड़े बड़े चेंजेस इसमें अभी नहीं अभी किए गए हैं। जाएंगे जो भैया लोग हैं उनके जान पहचान के हैं, जो चर्च की केयर करते हैं, तो उन्होंने कॉल किया था, वरना हम लोग नहीं देख पाते। तो फाइनली तो अब हम अंदर आ चुके हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि सबका ये पहला एक्सपीरियंस था। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने आज तक चर्च नहीं देखा था। तो कुछ ऐसा है चर्च, बहुत ही सुंदर। आप एक रिलीजियस प्लेस में जब भी आते हैं तो आपको सुकून मिल ही नहीं ही लग जाता है, मैं कहूँगी। तो वो था यहाँ पर, तो आप भी आइएगा यहाँ, बैठिएगा, भगवान से बातें कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से अच्छी यादों के साथ, अच्छी पिक्चर्स के साथ, अच्छी वीडियोस के साथ वापस जाइएगा, ये बोलकर कि फिर से ज़रूर आएंगे।